कि जिस पर बिहार में बवाल मचा है। छपरा में 20 मई को वोटिंग के दौरान बवाल की शुरुआत हुई और 21 मई को सुबह सुबह होते हिंसा में तब्दील हो गई। फायरिंग और पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। अब पुलिस की जांच के बीच 21 मई की सुबह का वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसकी न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसी हिंसा का वीडियो है। आप साफ देख सकते हैं एक पक्ष के लोग सामने वाले पर पथराव कर रहे हैं, उसी में एक आदमी राइफल लोड कर निशाना लगाते हुए आगे बढ़ता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में पिस्टल भी साफ नजर आ रहा है। घटना के बाद से 25 मई तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद है और पुलिस का दावा है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है। छपरा में चुनावी हिंसा पर सियासत के साथ प्रशासन का एक्शन भी जारी है। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। भोला यादव पर FIR दर्ज होने के बाद बिहार में सियासी आग भड़क गई है। छपरा में चुनावी हिंसा मामले में रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज होने के बाद अब लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव पर भी शिकंजा कस गया है। रोहिणी पर BJP कार्यकर्ता ने केस दर्ज कराया है तो भोला यादव पर छपरा के DM के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने भोला यादव के रोहिणी के साथ घूमने को अवैध बताया है। हालांकि भोला यादव का दावा है कि उनको निर्वाचन आयोग से घूमने की इजाजत थी। उसमें जो हम लोगों ने जो CO के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है वो बॉडी कोड का वायलेशन के आधार पे हम लोगों ने दर्ज किया है। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा पास जारी किया जाता है घूमने के लिए। उम्मीदवार हमारी रोहिणी आचार्य जी के साथ हमारा और 2 अन्य लोगों का, कुल 4 लोगों का पास जारी हुआ था और उसी पास के तहत हम लोग घूम रहे थे। भोला यादव पर FIR दर्ज होने के बाद सियासत सुलग गई है। RJD और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं तो BJP और JDU का कहना है कि साफ हो गया कि पूरी साजिश RJD की थी। परमिशन प्रशासन ने दिया है घूमने का, अब ये सब सत्ता सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रही है। राजद नेता भोला यादव किस हैसियत से बूथ पर गए थे और कल तो वो गाल बजा के सही साबित कर रहे थे, पर बिहार में NDA की सरकार है यानी कानून का राज, सजा तो भोला जी को भी भुगतना पड़ेगा। माननीय भोला यादव जी, माननीय लालू प्रसाद जी के आप राजनीतिक सिपहसालार हैं, जेल मैनुअल के बेहतर जानकार हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से लालू जी के परिवार में आप प्रताड़ित हैं। आपने बेहतर इलाज किया कि लोगों ने जब कंप्लेन किया था भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पे कि हेट स्पीच दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, तब तो चुनाव आयोग ने इस तरह से इतनी तत्परता से संज्ञान नहीं ली। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद बिहार में सियासी आग भड़क गई है। हिंसा के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। अब भोला यादव पर शिकंजा कसने के बाद NDA को RJD पर वार करने का एक और मौका मिल गया है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।